तो डू आई हैव एनी रिग्रेट अबाउट दिस अबाउट चूजिंग बी एच एम एस तो हे मेडिकस अपेक्षा है मैं थर्ड ईयर बी एच एम एस स्टूडेंट फ्राम महाराष्ट्र एंड वेलकम बैक टू माई चैनल मेडिक नेक्स्ट तो सबसे पहले बता दूँ कि आज का वीडियो अनस्क्रिप्टेड वीडियो होने वाला है बिकॉज आज छुट्टी थी तो मैं सबके कमेंट्स के थ्रू जा रही थी तो कुछ कमेंट्स देख के आई थॉन्ट दैट आई शुड मेक दिस वीडियो तो लेट स्टार्ट द वीडियो तो ये कहानी शुरू होती है लगभग ढाई या तीन साल के पहले जब मेरे नीट का रिजल्ट आया था टू बी ऑनेस्ट रिजल्ट के दिन का मैं इंतजार कर ही नहीं रही थी बिकॉज मुझे ना एग्ज़ाम के दिन ही पता चल गया था कि इस बार मेरा नहीं होने वाला क्यों बिकॉज मैंने फिजिक्स का पेपर ही अटैम्प्ट नहीं किया था मैंने फिजिक्स का क्वेश्चन ही अटैम्प्ट नहीं किया था एग्ज़ाम में बिकॉज एग्जाम लिखते लिखते उस दिन मुझे बहुत डर लगने लगा था एंड आई वॉज थिंकिंग मोर अबाउट द निगेटिव मार्किंग और मुझे लग रहा था कि अगर मैं निगेटिव में चली गई तो मेरा स्कोर और कम हो जाएगा वगैरह वगैरह प्लेंटी ऑफ थाट्स तो एग्जाम लिखते लिखते ही मैंने सोचा कि अभी मुझे फिजिक्स का नहीं देना एंड देन आई आई वॉज नॉट इवन थिंकिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज बट इट हैपन्ड तो ऑब्वियसली घर पे आने के बाद ही रोना धोना हुआ पेरेंट्स को बता दिया कि इस बार नहीं होने वाला है मार्क्स कमाए वो भी गुस्से में थे तीन तीन चार दिन पूरे घर का माहौल उसी में गया बट उसके बाद डिसीजन लेने का वक्त आया कि अभी आगे क्या करना है बिकॉज इतना तो मुझे पता था कि फिजिक्स मेरा वीक पॉइंट बन चुका था और अगर मैं उस पर काम करूँगी तो हो भी जाएगा और उसी डिसीजन को लेकर मैंने रिपीट करने का सोचा तो जब रिपीट करने का टाइम आया तो अभी वापस से कोविड का टाइम था जस्ट तो ऑनलाइन करना है कि ऑफलाइन करना है तो दे वार सजेस्टिंग मी टू गो फॉर ऑफलाइन बट कोविड का इतना सब माहौल था ना तो घर से बाहर जाने के लिए भी डर लग रहा था तो आई जस्ट ऑप्टेड फॉर ऑनलाइन कोचिंग और फिर रिजल्ट आने से मतलब नीट की एग्जाम और रिजल्ट आने तक का जो टाइम स्पेंड था उसमें मैंने रिपीट की पढ़ाई भी स्टार्ट कर दी थी आई वाज फोकसिंग ऑन फिजिक्स एंड ऑल तो रिजल्ट का दिन आया एंड रिजल्ट के दिन भी लाइक आई वाज स्टिल ओके लाइक बिकॉज वी आर ऑलरेडी स्टडिंग फॉर अ ड्रॉप बट आई डोंट नो उसके बाद ना मेरे थाट्स वापस से चेंज होने लगे लाइक आई वॉज फीलिंग प्रेसराइज अगेन सो चेंज इन माई थॉट्स एंड आई अगेन गैदर ऑल माई गर्ड्स एंड टोल्ड माई पेरेंट्स अगेन कि आई डोंट वॉन्ट टू डू दिस मेरे से नहीं हो रहा दे वर लाइक वाई बिकॉज वॉट आर यू डूइंग विद योर लाइफ यू आर चेंजिंग योर डिसीजनस अगेन एंड अगेन वॉट डू यू वॉन्ट टू रियली डू आई वॉज़ लाइक आई डोंट वॉन्ट टू स्टडी ले लो अभी जहाँ पर एडमिशन लेना है वहाँ पर ले लो मुझसे ये नीट अभी दी नहीं जाएगी बिकॉज वो कोविड का माहौल ही बहुत प्रेशरइजिंग माहौल था लाइक like, मुझसे उस वक्त हो नहीं रहा था सो हाउ आई लैंडेड अप इन दिस बी एच एम एस तो आफ्टर नीट एग्जाम आई वॉज ऑलरेडी वेरी मच डिप्रेस्ड वेन आई टूक द डिसीजन दैट आई डिन नॉट वॉन्टेड टू ड्रॉप तो आई वॉज फीलिंग वेरी वर्थलेस आई वॉज नॉट एबल टू डिसाइड एनीथिंग दैट वॉट शुड आई डू नाउ ओके आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट बट वॉट शुड आई डू बिकॉज मैथ्स ऑलरेडी छोड़ दिया था पीसीबी ग्रुप के वजह से बट यू नो वॉट एट दैट टाइम माई मॉम स्टूड बाय माई साइड सो बिग चियर्स टू हर इन दिस वीडियो बिकॉज आई नो शी वॉज ऑल्सो फीलिंग्स एट दैट टाइम बट अपने बच्चे के लिए एक माँ ही सब कुछ करती है तो एट द टाइम शी टोल्ड मी दैट यू आर नॉट सपोज टू फील वर्थलेस यू हैव स्टिल मेनी मोर ऑप्शंस टू डू एंड इफ यू फील लाइक दैट देन वॉट शुड आई डू हाउ कैन आई सी अप टू यू लाइक दैट दैट माई चाइल्ड इज फीलिंग सो मच बैड अबाउट हअर सेल्फ तो शी सेट दैट यू स्टिल हैव ऑप्शंस

मेरे पापा तो फिर भी प्राइवेट में ट्राई कर रहे थे बट आई डिड नॉट वॉन्टेड इट बिकॉज इतने सारे पैसों का बोझा लेकर मुझे नहीं चलना था लाइफ टाइम कि इतना सारा पैसा इन्वेस्ट करो फॉर अ डिग्री तो और अच्छा हुआ कि वो डिसीजन ना बाद में कैंसिल भी हो गया और फिर बाद में आता है बी का ऑप्शन तो ठीक है अभी पॉइंट पर बात करते हैं बी मुझे पर्सनली पसंद नहीं है लाइक आई डोंट लाइक इट और दूसरा मतलब बी डी एस में लिमिटेशन्स आ जाते हैं ऑब्वियसली लिमिटेशंस आ जाते हैं और उसमें ना सेटअप वगैरह का भी एक खर्चा होता है वो है ऑब्वियसली लाइक इफ़ योर पेरेंट्स आर ऑलरेडी डेंटिस्ट देन यू हैव नाइस स्कोप इन इट बट इफ नॉट देन यू हैव टू इन्वेस्ट इन सो मच थिंग्स दैट इंस्ट्रूमेंट्स एंड ऑल तो इट वॉज अ डायरेक्ट रियल नो फॉर मी तो अभी दूसरा ऑप्शन आता है अबाउट बी एम एस तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि माई पेरेंट्स दे बोथ आर ऑलरेडी डॉक्टर्स बी एम एस डॉक्टर्स बट दे स्टिल डी डोंट वॉन्टेड मी टू ऑफ फॉर बी एम एस वाई बिकॉज आई वॉज इन अ कॉन्वेंट स्कूल और हमारे स्कूल में संस्कृत नहीं थी और मराठी भी लोअर लैंग्वेज थी तो दे वर लाइक कि यूल फेस प्रॉब्लम्स एंड ऑल और फिर उस बात में मैंने भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया आई वॉज रेडी कि ओके एज यू से तो ये बी डी एस और बी एम एस तो ऑलरेडी मेरे लिस्ट में से कट हो चुके थे फिर पूरा सर्च वगैरह करके वी टू ग एडमिशन इन बी एच एम एस एंड यस दिस वॉज़ होल माई डिसीजन कि मुझे करना है और डू आई हैव एनी रिग्रेट तो उसके बारे में तो हम आगे बात ही करेंगे तो फिर मेरा फर्स्ट ईयर हुआ स्टार्ट पहले के कुछ महीने ऑनलाइन क्लासेस थे बिकॉज ऑफ कोविड फिर बाद में ऑफलाइन क्लासेस शुरू हुए तो फर्स्ट ईयर में ना ऐसा कुछ इतना अलग नहीं था कि हाँ मुझे बहुत अलग फील हो रहा है कुछ होम्योपैथी कर रहे हैं वगैरह इट वॉज लाइक जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है तीन सब्जेक्ट्स थे हमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी और होम्योपैथिक फार्मेसी तो एनाटॉमी में फिजियोलॉजी में ये मुझे हार्ड नहीं जाते थे बिकॉज ऑलरेडी बायो पसंद था इसके लिए होम्योपैथिक फार्मेसी था थोड़ा सा डिफरेंट सब्जेक्ट बट वो इतना हार्ड नहीं था बिकॉज ऐसा लग रहा था कुछ नया सीखने मिल रहा है ऐसा तो फर्स्ट ईयर ऐसे ही चले गया प्रैक्टिकल्स वगैरह किए हमने डिसेक्शन भी किया तो इट वॉज नाइस और ऐसा कुछ मुझे प्रेशराइज फील नहीं हुआ था बिकॉज ऑलरेडी इतना दो ढाई साल की पढ़ाई के बाद ऐसा लग रहा था कि ठीक है ओके okay, अभी जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है फिर फर्स्ट ईयर की एग्जाम हुई ऑल क्लियर आया रिज़ल्ट देन सेकेंड ईयर में गए फिर तो फिर अब मेरा सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ और सेकेंड ईयर में हमें सब्जेक्ट्स थे पैथोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी एफ टॉक्सिकोलॉजी और दो होम्योपैथी के सब्जेक्ट्स ऐड हुए थे दैट इज मेटेरिया मेडिका और ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन तो जब से मटेरिया मेडिका स्टार्ट हुआ और मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो तब से मुझे ना होम्योपैथी में इंटरेस्ट आने लगा कि ये क्या है ये अलग रेमिडीज़ क्या होता है ये रेमिडीज़ अलग अलग पर्सनालिटीज और जैसे ही वो पर्सनालिटीज जब मैम पढ़ाते थे वो रिलेट करते थे तो ऐसा लगता था यार ये है क्या कुछ तो भी अलग है ये पढ़ना चाहिए और वैसे ही मुझे इंटरेस्ट डेवलप होने लगा और यहाँ पर आई एम नॉट प्रीचिंग होम्योपैथी बट ऑल्सो आफ्टर आई स्टार्टेड स्टडी ऑर्गेन तो जो हमारे फाउंडर डॉक्टर हैनिमिन का जो थाट था अबाउट इन्वेंटिंग दिस होम्योपैथी की एलोपैथी की वजह से हम पेशेंट्स के डिजीज उसको और बढ़ाते हैं बिकॉज पहले उन्हें हमें सि, हम सिर्फ सप्रेस करते हैं और वो परमानेंटली क्योर कभी नहीं होते तो दिस आइडिया स्टार्टेड टू फैसिनेट मी एंड देन आई स्टार्टेड बिलीविंग इन दिस पैथी और फिर उसके बाद जब मैंने खुद पेशेंट्स भी देखे केसेस भी देखे डेट इट हैज अ ग्रेट रिजल्ट ऑन स्किन हेयर एंड ऑलमोस्ट एवरी थिंग ऑल्सो ऑन मेंटल कंडीशंस तो आई स्टार्ट फॉलोइंग फॉर इट तो अभी मेन क्वेश्चन डू आई हैिग्रेट अबाउट ऑप्टिंग फॉर बी एच एम एस तो इसका आंसर है नोट क्लियरली नो बिकॉज हर एक सक्सेसफुल इंसान जो अपने लाइफ में सक्सेसफुल है ना वो एम बी बी एस नहीं है उसके पास एम बी बी एस डिग्री नहीं है मैं नहीं कह रही कि एम बी बी एस लोग सक्सेसफुल नहीं होते हैं बट ये भी नहीं है कि हर एक सक्सेसफुल इंसान एम बी बी एस ही ऐसा ये जो लोगों ने इन्फेरियरटी सुपेरियरटी कॉम्प्लेक्स बना कर रखा है ये डिग्री छोटी है ये डिग्री बड़ी है ऐसा कुछ भी नहीं है और पढ़ाई के थ्रू तो तुम्हें हर हर एक फील्ड में जाना पड़ेगा नॉट ओनली मेडिकल फील्ड बट एवरी फील्ड तो ऐसा नहीं है कि कोई डिग्री में आ गए तो फिर चार पांच सब्जेक्ट पढ़ लिए और फिर हो गया नहीं ऐसा नहीं है यहाँ पर बी में भी, भी तुम्हें वही पढ़ाई करनी पड़ेगी जो बाकी फील्ड वाले करते हैं तुम डिसेक्शन भी करोगे तुम्हें प्रैक्टिकल्स भी परफॉर्म करने पड़ेंगे तो यहाँ पर सिर्फ इतना नहीं है जो बाहर कहते हैं सफ़ेद सफ़ेद मीठी गोलियाँ नहीं यू हैव टू स्टडी अबाउट एवरी थिंग बिकॉज ऑब्वियसली आगे जाके तुम डॉक्टर बनने वाले हो तो ऐसा नहीं है ना बिकॉज तुम्हें भी उसे कैसे क्योर करना है तुम्हें भी सारे सिस्टम्स वगैरह की नॉलेज होनी जरूरी है तो ऐसा नहीं है कि बी कोई मामूली कोर्स नहीं है कि जैसा बाहर उसको कहा जाता है और यहाँ पर मैं अभी भी कह रही हूँ कि आई एम नॉट प्रीचिंग बी एच एम एज दैट तुम भी वही करो बट मैं बस इतना कह रही हूँ कि आज तुम तो कोई दूसरा भी कोर्स करो ना तो खुद को कम समझना बंद कर दो लाइक यू आर नॉट लेस देन एनी वन और एनी कोर्स बिकॉज डिग्री कोई भी हो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस डिग्री में और हमारे करियर को अच्छा बनाने में कितनी मेहनत करते हैं सो आई गेस दिस वॉज अबाउट टूडेज वीडियो अगर आपको मेरे वीडियो के वजह से थोड़ी भी हेल्प हुई हो और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब और डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स लाइक i don't want your like i don't want your comments but do share with your friends those are depressed because of the neat exams and those who can't decide what to do in the future just tell them that do whatever your heart wants and don't have any regrets about what you choose and don't listen to everyone because when you will feel regret about something other people are not going to come to heal you so bye bye i'll see you guys in next video